बौद्ध कंधमाल सीमार सुरक्षाकर्मी और माओवादी मध्ये गुड़ विनिमय हो खुंटीगुड़ा दुईजण एसओजि जवान आहत होती तेज आहत जवान को भुवनेश्वर एयरलिफ्ट कर प्राय आठ घंटू अधिक समय धरी उभय पक्ष गुड़ विनिमय जारी रही एनकाउंटर में किसी माओवादी मृताहत होती सूचना मिली। बौद्ध कंधमाल सीमांत उमा जंगल में गुड़ विनिमय जारी रही सेपटे पुलिस डीजी मालकानगिरी और कोरापुट गस्त बातिल करी बौद्ध पदेलपड़ा पहुंची से दुई जन एसओजी जवान को निज हेलिकॉप्टर में भुवनेश्वर आनी जवान मैंने भुवनेश्वर में पहुंचा पर एम्स भर्ती कर जंगल में माओवादी लुचि खबर पाई चली कंबिंग ऑपरेशन। तो ये दृश्य आप देखुं जिते बड़े हेलिकॉप्टर पहुंची जो भाई भाव में डीजीपी प्रतिक्रिया रोकते भुवनेश्वर में पहुंचा पर ये ओडिशा पुलिस सीआरपीएफ और पीएसएफ मिलित सहयोग में दुईज आहत जवान को यथाशीघ्र भुवनेश्वर पर्यंत पहुंचे चिकित्सा जोगे देवा संभव हो पारा। ये खबर जिते सका आज गुड़ विनिमय होता दुईज जवान आहत होते जंगल भितर प्रथम सीआरपीएफ जो मैंने जवान रही से भारत बोह आनी पदेलपड़ा पर्यंत एवं सेठारु हेलिकॉप्टर रे डीजीपी जो हेलिकॉप्टर रे मालकानगिरी एवं कोरापुट गस्त करथिले सही हेलिकॉप्टर जुगे तांको भुवनेश्वर अणा जाय एम्स रे तांकर चिकित्सा पाई भर्ती करा जाय छी। किंतु सबटु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जे आईएमएफ को मगा जायथिला हेलिकॉप्टर किंतु हेलिकॉप्टर पहुंची पारि नथिला खराब प्रतिकूल पाग जोगु किंतु बीएसएफ्र जो हेलिकॉप्टर थिला जो थे कि डीजी को नि जाता कोरापुट से हेलिकॉप्टर पायलट साहसिकता देखा प्रतिकूल पागरे हेलिकॉप्टर को एक स्कूल पड़िया अवतरण कराइले आप देखते तार दृश्य एवं यहाँ पुणि थे जवान एवं डीजीपी को धरी आहत जवान को धरिकी हेलिकॉप्टर भुवनेश्वर अभिमुखे बाहर ये हूँ दृश्य आप देखते आज सका गोछापाड़ा थाना जे कंधमाल जिले में अच्छी से गोटे एक्सचेंज ऑफ फायर ओडिशा पुलिस एसओजी एवं नक्सल माने आम साइड से दुई जने इंजर्ड होती साइड से भी किछु लोक इंजर्ड होती करके आम सूचना पाइं ए दुई जने को आम आप देखुं एवं एयरलिफ्ट कर एयरलिफ्ट करने विशेष धन्यवाद दिए तीन जन गोटे बीएसएफ को एवं पायलट पंडित को ए बीएसएफ चपरटा से कम नाला ए आमर ओडिशा पुलिस टीम को नहीं के कोरापुट मलखानगिरी आड़े जाऊ से रेस्क्यू पाई गोटे आईएफ चपर आसवर थिला बट वेदर भल नाई से महासमुंद से फेरीगला हेले कम टाइम रे ए आईएफ बीएसएफ रे पायलट अच्छा से सांगे सांगे गोटे अल्टरनेट रूट नहीं के गोटे बहुत छोटिया जगह पादेलपड़ा करके गोटे छोट हाई स्कूल अच्छी सेठी से लैंड कराई पारे सक्सेसफुली चपर को एवं एयरलिफ्ट करके आनी पारे मुझे विशेष धन्यवाद देउछी पायलट पंडित को द्वितीय मु विशेष धन्यवाद द्वितीय मु विशेष धन्यवाद देउछी आम सीआरपीएफ टीम को से माने जेते बेले ऑपरेशन हैला इंजर्ड जानिले से माने सांगे सांगे रीइन्फोर्समेंट पठाइले एवं अपन जदि देखिबे से माने आम इंजर्ड को नहीं क्या अधिक प्रतिक्रिया नवा प्रसंग आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती पूर्वतन पुलिस डीजीपी संजीव मारिक सहित मारिक आपंक स्वागत जो भाई भाव में ये घटना देखा मिली एवं गुड़ विनिमय जारी रही कंधमाल एवं बौद्धर सीमांत अंचल माओवादी मैंने सक्रिय होती लगातार भाव में कंधमाल जिलूँ आसूसी विभिन्न खबर विभिन्न समय माओवादी मैंने आक्टिव होती जिते बड़े कि प्रादुर्भाव कमी जाऊ कि पुलिस कहुतला किंतु एबे लगातार भाव में यह घटना देखा सब गुरुतर कथा बौद्ध जिले में मध्य सक्रियता देखाई माओवादी हाँ एटा माने तार विस्तार हेवार गोटे संकेत कहीं से माने बहुत दिन पर्यंत कलाहांडी और संबल कंधमाल बॉर्डर रे ही सीमित थिले बहुत दिन पूर्व गतिविधि होता बौद्ध रे दस छः सात साल पूर्व तापरे से प्रकार कोनो गतिविधि देखा जाए नथिला लेकिन आउ थरे बौद्ध रे गतिविधि हेछि से अंचल जे एरिया रे एटा देखा गला कोछापड़ा कंटामल थाना सेटा बॉर्डर रे लाइक बॉर्डर माने लांगी सोनपुर बॉर्डर
କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟାମାଲ ଅଛି ଏକଦମ ତେଲ ନଦୀର କୂଳରେ ଅଛି ଆଉ ସେପଟେ ତେଲ ନଦୀରେ କ୍ରସ କଲେ ତାରବାର ଥାନା ଆସିବ ଯିଏକି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼େ ତ ଏଇ ଯୋଉ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫୁଲବାଣୀ ଆଉ ବାଲିଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ଯଦି ଦେଖିବେ ତାପରେ ବାଲିଗୁଡ଼ାର ଯେ କଣ୍ଟାମାଲ ରାସ୍ତା ଯାଏ ଆଉ ସେଇଟା ସୋନପୁର ପାଖେ ତେଲ ନଦୀ ପାଖେ ବାହାରେ ଆଉ ସେଠି ବୁଲିକରି ଫେରିଯିବ ବହୁତ ଆଡ଼େ ତ ସେଇଟା ମଝିରେ କୋନ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ଏରିଆ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିନା ଭୟରେ ସେ ପର୍ବରେ ସେପଟେ ନିଜର କ୍ୟାମ୍ପ ନିଜର ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ଗତିବିଧି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ ତାର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏତେ ସମୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ କରିପାରୁଛି ପୁଲିସ ସାଙ୍ଗେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଢିଆରେ ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ଆଉ ଏମାନେ ଆମିନେସନ ବି ବହୁତ ଆକାରରେ ଅଛି ନହେଲେ ଏତେ ଦେରରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ନକ୍ସଲ ମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଳି ବିନିମୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖି ନାହିଁ ମୋ ଅନୁଭବ ସମୟ ଯେ 30 ସାଲ ଥିଲି ଆଇଜି ଅପରେସନ ଆଉ ଏଡିଜି ଅପରେସନ 2-3 ଘଣ୍ଟା 1-2 ଘଣ୍ଟା ବହୁତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ଅଧିକା ସେମାନେ ରହିପାରିବନି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବି ଯିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ସେପଟେ ଲାଇନ କରିଲା ତ ବହୁତ ବି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ତାର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ ନାହିଁ କାହିଁକି ଅପରେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଲାଇନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆଉ ହେଲିକପ୍ଟର ବହୁତ ଇଜି ଟାର୍ଗେଟ ହେଇଛି ଆରାମରେ ତାକୁ ମାରିଦେବ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ସେପଟେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ସେଟା ବି ଦେଖାଉଛି କି ପୁରା ବ୍ୟାପକ ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଦୁଇ ଆହତ ଯବାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମିଳିତ ଏଫର୍ଟ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ BSF ଏବଂ CRPF ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ କହିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେ ସମୟ ଦେଖିଲେ କି ଏୟାରଫୋର୍ସ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସି ପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ କୋରାପୁଡ଼ିଆରେ ଗସ୍ତରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଏ କରିକରି ଭଙ୍ଗ କରିକରି ଯବାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିହେବ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଲେ ଆଉ ସଫଳ ହେଲେ ସେଟା ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଓକେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁତ ମାରିକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବ ମାରିକ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ DGP ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଏବେ ବୌଦ୍ଧରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 3 ଯେଉଁ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ BSF ଏବଂ ଏୟାରଫୋର୍ସ କ୍ଷମା କରିବେ CRPF ଏମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ଥିଲା ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଅବତରଣ କରିବା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ମାଓବାଦୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ହେଲିକପ୍ଟର ଅବତରଣ କରାଇ 2 ଯବାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଆଣିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଦ୍ୟମ କୁହାଯାଇପାରିବ।